नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैंने नीट से संबंधित कोई क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए नहीं डाला हुआ है, लेकिन आज पुनः मैं टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इसके 30 क्वेश्चन का जो है समूह है वो डाल रहा हूँ, और ये हमारा एक टेस्ट के रूप में होगा। इसे आप वही पुरानी 2 पद्धतियों के आधार पर जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली पद्धति ये कहती है कि आप एक कागज़ पर 1 से लेकर 30 नंबर लिख लीजिए, और जैसे जैसे प्रश्न चलते जाए आप अपने ऑप्शंस उसके आगे इंक्लूड करते चले जाएं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैंने जो भी नीट से संबंधित सामग्री डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। और आज का हमारा जो पहला जो सवाल है वह सवाल है कि चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एंट्स क्या कहलाता है। और आपके ऑप्शंस है ए माइलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी मेलेकोलॉजी और डी मिर्मेकोलॉजी। और इसका जो सही जवाब है वो है डी मिर्मेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। और आपके ऑप्शंस है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता में, बी रॉयल वनस्पति उद्यान क्यू इंग्लैंड में, सी रॉयल वनस्पति उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में और डी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। और इसका जो सही जवाब है वो है ए राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता में। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, एक पौधा जो बीज व भ्रूण भी उत्पन्न करता है, एक पौधा जो बीज व भ्रूण भी उत्पन्न करता है तथा संवहन तंत्र युक्त है परंतु फल नहीं बनाता है, उसे आप किस समूह में रखेंगे। और इसके ऑप्शंस हैं आपके ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी अनावृत बीजी और डी आवृत बीजी। और इसका सही जो जवाब है वो है सी अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 2 समांतर होलोटाइप कहलाते हैं, 2 समांतर दो पैरेलल होलोटाइप कहलाते हैं। उनके ऑप्शंस है आइसोटाइप, सिनटाइप, मिजोटाइप और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है ए आइसोटाइप, आइसो का मतलब ही समान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बैक्टीरियोफेज द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो जीवाणु कोशिका भित्ति को अपघटित कर देता है कहलाता है। और आपके ऑप्शंस है प्रो एंजाइम, बी फेज, सी लाइसोजाइम और डी एंडोलाइसिन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, ए प्रो एंजाइम, बी फेज, सी लाइसोजाइम और डी एंडोलाइसिन। और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है इसका बी फेज। आप वहां पे फेज लाइसोजाइम जो लिखा है उसमें ये समझ लीजिए कि बी फेज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से किस विषाणु में प्रोटीन कवच नहीं पाया जाता है जो केवल आरएनए का बना हुआ होता है। निम्न में से किस विषाणु में प्रोटीन कवच नहीं पाया जाता है जो केवल आरएनए का बना होता है। और आपके ऑप्शन है टीएमवी, तंबाकू का मोजेक वायरस, बी आलू का स्पिंडल ट्यूबरस ट्यूबर वायरस, सी पेलियोमा वायरस और डी मम्स वायरस। और इसका जो सही जवाब है बी आलू का स्पिंडल ट्यूबर वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विषाणु जो पोलियो तथा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। विषाणु वायरस जो पोलियो तथा हाइड्रोफोबिक रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस है न्यूरोटॉप ट्रॉपिक, बी विसरोट्रॉपिक, सी डर्मोट्रॉपिक और डी न्यूमोट्रॉपिक। तो इसका जो सही आंसर है ए न्यूरोट्रॉपिक, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो जीवाणु भोजी तथा कवक में क्या समान है, जीवाणु भोजी तथा कवक में क्या समान है। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए, बी अनुवांशिक पदार्थ आरएनए, सी प्रजनन और डी कोशिका भित्ति। और इसका जो सही ऑप्शन है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इंटरफेरॉन किसकी क्रियाशीलता को रोकने का कार्य करता है। और आपके ऑप्शन है
जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और हेलमेंथीज। और इसका जो सही आंसर है बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि अपने एक सिरे पर केवल एक कशाभिका रखने वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है लोफोट्राइकस, बी मोनोट्राइकस, सी ए ट्राइकस और डी एम्फी ट्राइकस। और इसका जो सही आंसर है बी मोनोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 11, पादप जंतुओं को नैदानिक लक्षणों के द्वारा पहचानने के लिए किस वर्गीय की सहायक साधन का उपयोग किया जाता है, किस टैक्सोनॉमिक की का उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, हर्बेरियम, कुंजी, संग्रहालय, मोनोग्राफ। इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा बी, कुंजी। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, बी कुंजी, हर्बेरियम नहीं होगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखें, कशेरुकी समूह में उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्राप एवं गिजाड़ द्वारा अभिलक्षित हैं। अभिलक्षित है का मतलब क्या है भाई, कि उनके जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स क्या है, क्राप एवं गिजाड़ का पाया जाना। इसके ऑप्शंस क्या है, ए एविस, बी रेप्टिलिया, सी एम्फीबिया और डी मेमेलिया। और इसका सही आंसर है ए एविस। एविस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कोलंबा, मतलब कबूतर। कबूतर आप देखे होंगे कि कबूतर अपने बच्चों को मिल्क फीड कराती है, और वो मिल्क कहाँ से आता है, वो मिल्क आता है क्रॉप से। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर काकरोच की पहचान मादा काकरोच से करते हैं, अर्थात दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, दोनों को अलग अलग कैसे पहचानते। तो इसका जो ऑप्शंस है आपके लिए, पहला है गहरे प्रवर अच्छद सहित अग्रपंख, बी टेल सिटी की उपस्थिति, सी नाइन सेगमेंट में नौका के आकार की उरोस्थी की उपस्थिति और डी गूदा लूम की उपस्थिति। और इसका जो सही जवाब है वो है बी टेल सिटी की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है, कौन सा जंतु समतापी नहीं है। आपके आंसर हैं, आपके ऑप्शंस हैं ए मॉथ, बी ट्यूनिकेट, सी केचुआ और डी स्टारफिश। और इसका सही आंसर है सी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हड्डियों में वायुकोष पाया जाता है, किसकी हड्डियों में वायुकोष पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए चमगादड़ में, बी मेंढक में, सी छिपकली में और डी गौरैया में। और इसका जो सही आंसर है डी गौरैया में, क्योंकि भाई जो इस जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के हड्डियों में वायुकोष पाया जाता है। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, पक्षियों में कौन सा ध्वनि उत्पादक यंत्र पाया जाता है, पक्षियों में कौन सा ध्वनि उत्पादक यंत्र पाया जाता है। और आपके ऑप्शंस है लेरिंग्स, बी सिरिंग्स, सी फेरिंग्स और डी ओकल कॉर्ड्स। और इसका जो सही आंसर है बी सिरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। और आपके ऑप्शन है ए ब्लू व्हेल, बी समुद्री घोड़ा, सी गंगा की सार्क और डी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन इसका सही आंसर है, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक समुद्री प्राणी जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, भाई विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा कौन है, प्रिस्टिस, बी टार्पिटो, सी ट्राइकॉन, डी स्कॉलियोडन। और इसका जो सही आंसर है वो है बी टार्पिडो। टॉर्पिडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसके कारण वो झटका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुजी नहीं है, कौन सा जंतु जरायुजी नहीं है, अर्थात जो बच्चों को जन्म नहीं देता है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं भाई, ए चमगादड़, बी हाथी, सी प्लेटीपस, डी व्हेल। और इसका जो सही आंसर होगा सी प्लेटीपस, डगबिल्ड प्लेटीपस। ये एकमात्र ऐसे स्तनी हैं जो अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नग्न बीज का पाया जाना निम्न में से किसका चारित्रिक लक्षण है, नग्न बीज का पाया जाना निम्न में से किसका चारित्रिक लक्षण है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
ब्रायोफाइटा या डी शैवाल। और इसका जो सही जवाब है वो है जिम्नोस्पर्म। इसका सही जवाब क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन देखिए कि साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? निम्न में से साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? और आपके ऑप्शंस है प्रोटिस्टा, बी प्लांटी, सी मोनेरा और डी सहवाल। और इसका जो सही जवाब है वो है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है, उगेमी, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और जुगेमी। भाई इसका सही ऑप्शंस है सी एन आइसोगेमी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। एक पादप थैलस स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है, एक पादप थैलस स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है। यह अघुणित होता है, हैप्लाइड होता है तथा इसमें मूलाभास होते हैं। इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके नर युग्मक गतिशील होते हैं। पहचान कीजिए कि यह किस समूह के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म। आपके ऑप्शंस क्या हैं भाई? ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी ब्रायोफाइटा और डी शैवाल। और इसका जो सही जवाब है वो है सी ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। प्रोथैलस एक प्रकार की संरचना है, क्या है इसे आपको बताना है। प्रोथैलस एक प्रकार की, आपके ऑप्शंस क्या हैं भाई? संरचना है जो कि टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, जिसकी रचना थैलस से विकसित होने से पहले होती है, थैलस के विकसित होने से पहले होती है। बी प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में बनने वाले बीजाणुविद मुक्त जीवी संरचना है। सी प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में बनने वाली युग्मकोविद गैमेटोफाइट मुक्त जीवी संरचना है। या क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर डी प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में निषेचन के पश्चात विकसित होने वाली एक प्रिमिटिव संरचना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है भाई? कि प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में बनने वाली युग्मकोद्भिद मुक्त जीवी संरचना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विशाल रेड वुड ट्री सिकुआ होता है, एंजियोस्पर्म होता है, बी फर्न होता है, सी टेरिडोफाइटा होता है या डी जिम्नोस्पर्म होता है, आपको बताना है। और इसका ऑप्शंस ये है डी जिम्नोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 देखें। सभी एक कोशिकीय की यूकेरेटिक जीवों का संबंध होता है, सभी एक कोशिकीय की यूकेरेटिक जीवों का संबंध होता है, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से या डी जीवाणु से। का जो सही ऑप्शंस है बी प्रोटिस्टा। इसका जो सही ऑप्शंस क्या है भाई? बी प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। माइकोबायोन्ट तथा साइकोबायोन्ट किस में पाए जाते हैं? माइकोबायोन्ट तथा साइकोबायोन्ट किस में पाए जाते हैं? माइक्रोराइजा, मूल, सी लाइकेन, डी बीजीए। और इसका सही जवाब है सी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। बैक्टीरिया कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के वलन कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए एपिसोम, बी स्पिरोसोम, सी मेसोसोम और डी वायराइड। और इसका जो सही जवाब है वो है एपिसोम। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? ए जीवधारियों के प्राकृतिक आवास पर, बी जीवधारियों की समानता पर, सी जीवधारियों की उपयोगिता पर और डी समान उद्विकास के आधार पर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी समान उद्विकास के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। वर्गी की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या कैसी होती? घटती है, बी बढ़ती है, सी एक सी रहती है और डी घटना, घट या बढ़ सकती है। और इसका सही ऑप्शन है कि वर्गी की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती है, ए घटती है, इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 30 क्वेश्चंस का में से आपके कितने ऑप्शन सही हुए ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आएगा।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट को लेकर चलेंगे, एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अन्य लोगों को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें।